नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, तपन पटेल हैं HDFC सिक्योरिटीज से और जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी से। साथ ही आगे स्पाइसेस मार्केट पर बात करने के लिए हल्दी के जाने माने ट्रेडर प्रेमचंद मोटा साहब भी होंगे, और शुगर सेक्टर का आउटलुक बताने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विटलानी होंगे, जो एस्टा के चेयरमैन हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। चलिए, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि कमोडिटी मार्केट की अब तक की बड़ी खबरें कौन सी है जो दिन भर जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, जहां पर आज एकदम सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। 100 रुपए के आसपास की तेजी है, 47,800 रुपए के आसपास। डॉलर में मजबूती है, बॉन्ड यील्ड में तेजी है, इससे यहां पर दबाव बना है और तेजी बढ़ नहीं पा रही है। चांदी की बात करें, इक्विटी पर फोकस बढ़ा है, गोल्ड को लेकर रुझान कम हुआ है, ये एक वजह है। कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो आज एक अहम बैठक है ओपेक प्लस की, जहां पर फरवरी में उत्पादन वो बढ़ाएंगे या नहीं, इसको लेकर फैसला होना है, तो एक अहम खबर क्रूड को लेकर। नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो 2 हफ्ते तक मांग कम रहने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है, तो यह खबर है नेचुरल गैस को लेकर। नेचुरल गैस के बाद अब कुछ बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कॉपर, जहां पर पेरियम में उत्पादन वहां की माइंस में शुरू होने वाला है, इससे यहां पर दबाव बना है। हालांकि आज के सत्र में बेहद सीमित दायरे में कारोबार है, 4.5% नीचे MCX पर भाव है। चलिए अब बेस मेटल्स में ही कुछ और काउंटर्स की बात कर लेते हैं। जिंक की अगर बात की जाए तो जिंक में भी नेक्सा अब पेरू में अपने माइंस में काम शुरू कर दिया है, ये एक अहम डेवलपमेंट आ रही है। निकल की अगर बात करें तो PMI मैन्युफैक्चरिंग जो US का दिसंबर में है, वहां पर नरमी देखने को मिली है। हालांकि निकल में आज सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है, 4.5% नीचे MCX पर कारोबार हो रहा है। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें तो सप्लाई कम होने से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिला है। चलिए कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेंथा ऑयल, जहां पर एक्सपोर्ट एग्री एक्सपोर्ट देश में बढ़ा है, इस खबर से ही कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है, एक सेंटिमेंटल बूस्टअप यहां पर मेंथा के लिए, क्योंकि मेंथा के कंज्यूमर डिमांड पिछले कुछ दिनों से काफी कमजोर थे। अब कॉटन की बात कर लेते हैं तो फाइबर प्राइसेस, नेचुरल फाइबर प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उससे यहां पर सपोर्ट मिलना स्वाभाविक है, तो कॉटन की कीमतों को यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कॉटन के बाद अब कुछ और एग्री मार्केट की, तो उसमें स्पाइसेस सबसे पहले। हल्दी कल 5% से ज्यादा की तेजी दिखी, आज करीब 1% की मजबूती है, और अप्रैल का वायदा NCDX पर 10,125 रुपए के आसपास। उसके बाद जीरे की अगर बात की जाए तो यहां पर एक्सपोर्ट इंक्वायरी लगातार आ रही है, घरेलू मांग भी मजबूत है, तो जीरे के लिए एक अच्छी खबर है जो सपोर्टिव है। धनिया को लेकर यह खबर है कि जो करंट जो सीजन है उसमें धनिया का शॉर्टेज बिल्कुल विजिबल है, साफ दिखाई दे रहा है कि शॉर्टेज रहेगी, स्टॉक कम रहेंगे, उससे यहां पर फायदा हो रहा है, और कल की 3% की तेजी के बाद आज करीब करीब 1% की मजबूती। धनिया के बाद कैस्टर की बात करें तो 3 साल के में सबसे कम उत्पादन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। कॉटन की खबर तो हमने पहले ही बताई थी कि नेचुरल फाइबर का यहां पर दाम लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे थे। ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, और दिन भर ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए या अपने फिजिकल स्टॉक्स को अगर आप रिजिक करना चाहते हैं तो इन खबरों को देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ दोनों जानकार बने हुए हैं, हमारे साथ जिगर भी हैं, तपन भी है। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां आज ओपेक प्लस की अहम बैठक है। तपन, क्रूड को लेकर क्या लग रहा है, जिस तरह की आज अहम बैठक है, फरवरी को लेकर सबको चिंता हो रही है कि कहीं उत्पादन बढ़ोतरी का जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया था वो कहीं रोक ना दे, आपको क्या लग रहा है, आप क्या सेंस कर रहे हैं तपन? जी गुड मॉर्निंग जी, कच्चे तेल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ओपेक जो है अपना डिसीजन शायद होल्ड पे रख सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ओमिक्रॉन की चिंता है उसके कारण डिमांड पे थोड़ा प्रेशर आया है। सेकेंड थिंग, जो लीबिया की तरफ से प्रोडक्शन में अभी डिस्ट्रप्शन चल रहा है, जो भी ऑयल फील्ड उसमें वहां पे अभी बंद है, तो वहां से भी ऑयल जो प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, तो उसके कारण मुझे लग रहा है कि ओपेक थोड़ा वेट करेगा आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग के लिए कि क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन लेवल को चेंज करे, अदरवाइज जो नॉर्मल जो अग्रीमेंट है उनका जो 4 लाख बैरल्स का वो शायद उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल मुझे नहीं लगा क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन कोटा है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डिमांड पे थोड़ा प्रेशर है और इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो उसके कारण मुझे लग रहा है ओपेक अपने डिसीजन होल्ड पे रखेगा। बाकी ओवरऑल जो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है, डिमांड आउटलुक जो है वो फिर भी स्ट्रॉन्ग है, और जो यूएस की तरफ से डिमांड बढ़ रही है, साथों साथ इन्वेंट्रीज भी कम हो रही है यूएस में, तो उसका सपोर्ट प्राइस को मिल सकता है। तो बाइंग की अगर बात करें, ट्रेडिंग की बात करें, तो मुझे लग रहा है बांड इसका व्यू कंट्रोल रखना चाहिए,
एमसीएक्स में आज के दिन के लेकर के तो 5680 से 5570 की रेंज जो है वहां से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में 5760 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 5630 के बिलो कर रखे क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। ओके तो यानी कच्चे तेल में खरीदारी की सलाह है। जिगर आपसे भी यही सलाह है, आपको क्या लग रहा है ओपेक की प्लस बैठक से आपको क्या उम्मीद लग रही है? क्या फरवरी में उत्पादन बढ़ाने का सिलसिला जारी रखेंगे? गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहन। यस, आई विल मोर और लेस गो विद द सेम व्यू। सी, यूएस से प्रेशर रहेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यूएस का इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, बट मुझे लग रहा है ओपेक एंड एलाइज इस बार अपना ये रिसेशन जो होगा वो होल्ड पे रखेंगे एंड जो प्राइसेज है WTI के 76-77 डॉलर के आसपास अभी भी कंफर्टेबल लेवल पे है। सो आई डोंट थिंक ओपेक को इससे कोई एतराज होगा। आने वाले दिनों में शायद डिमांड बढ़ सकती है। सो फेब्रुआरी ऑनवर्ड्स शायद नेक्स्ट मीटिंग्स में ओपेक या ओपेक एलाइज थोड़ा बहुत डिसीजन लें कि प्रोडक्शन थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट करना हो, बट आई थिंक फॉर दिस मीटिंग यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं आने वाला है। देर विल कीप द प्रोडक्शन ऑन होल्ड एंड मुझे लग रहा है इंट्राडे में यहाँ पे किसी भी थोड़ा सा भी तो डीप आता है 5670 के आसपास देन वन शुड गो लॉन्ग एंड जनवरी कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली एंड 5670 इट्स लेवल टू गो लॉन्ग 5620 ये स्टॉप लॉस रहेगा फॉर इंट्राडे एंड एक या दो दिनों के लिए यहाँ पर टारगेट बन सकता है 5750 के आसपास का। ओके तो ये भी हुए क्रूड तेल को लेकर, तपन का और जिगर का। चलिए हमारे साथ अब प्रफुल्ल बिठलानी साहब है जो एस्टा के चेयरमैन हैं, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर शुगर उत्पादन को लेकर पेराई तो काफी फुल स्विंग में है देश में, क्या लग रहा है किस तरह के उत्पादन नंबर आ सकते हैं? अब तक के जो आंकड़े 31 दिसंबर तक आ रहे हैं इस माह के मुताबिक वो पिछले साल से ज्यादा है, आपका अनुमान क्या है सर इस बार? तो अच्छा ही रहने वाला है और उम्मीद करीबन 300 से 310 के आसपास की है, रेंज है। और ये जो फिगर आए हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के, वो ऐसा है कि कैपिटल, ये जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ज्यादा है इस बार, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होने की वजह से हो सकता है कि 15-20 दिन की शॉर्ट सीजन चलेगी। और हाँ 300-310 लाख टन का उत्पादन रहेगा ऐसा लग रहा है। ओके ओके तो ये व्यू आ रहा है। सर एक्सपोर्ट को लेकर क्या नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्राइसेस में थोड़ी नरमी आई है दिसंबर के महीने में ग्लोबल प्राइसेस में, ऐसे में क्या फीजिबल लग रहा है कि अभी करंट माहौल में एक्सपोर्ट होगा क्या? देखिए ऐसा है कि नाइबोट के ऊपर से बाजार यहाँ तय होती है, वैसे हमें 60 लाख टन ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, उसमें से करीबन 35-40 लाख टन के बिजनेस हो गए हैं। और जब लास्ट ईयर जनवरी में तो हमने शुरुआत की थी एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि तब तक पॉलिसी अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसके बाद इंडिया ने 70 लाख टन का एक्सपोर्ट किया था, जबकि इंडिया के पास अभी 20 लाख टन है देने के लिए। तो अभी उसमें प्रॉब्लम यही है कि 70 लाख टन जो इंडिया ने जनवरी से नवंबर में दिया था उसके सामने इंडिया अभी 20 लाख टन देगी, तो बाकी का 50 लाख टन कहाँ से आएगा? तो ब्राजील का तो प्रोडक्शन चालू होने के बाद अप्रैल महीने से चालू होगा, पर तब तक ये द्विधा है कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, ये होगा फंडामेंटल बेस। जहां तक टेक्निकल बेस है तो ये नाइबोट जो है वो 1855 का एक सपोर्ट से दो बॉटम बना चुकी है, अभी कल का बंद है 1874, तो ये थर्ड क्रिटिकल है। अगर जो ये 1855 से रिवर्स हो जाती है 3 बॉटम बना के, तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट 20 के प्लस जावे, और अगर 1855 के नीचे क्लोज आता है तो थोड़ा सा बेरिश मूड रहेगा। तो अगले 2-3 दिन में कैसे है कि फंड वाले और जो बाकी क्रिसमस वेकेशन पे गए हैं वो ट्रेड पे आ जाएंगे, तो वैसे हमारा पर्सनल ध्यान तो तेजी की ओर का है। ओके ओके सर, अब एक सवाल आपसे ये होगा कि ग्लोबली क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि ग्लोबल शुगर जो कंजम्पशन है वो इस साल जो ये है आपकी सप्लाई से ज़्यादा रहने का अनुमान है, 1.3% पिछले साल से ज़्यादा खपत रहने का अनुमान है। इसके अलावा ये भी है कि जो खपत के जो आंकड़े होंगे वो 6 साल में सबसे ज़्यादा होंगे, ऐसे में
और साथ ही ब्लेंडिंग को लेकर एक अलग से टारगेट है एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, तो इंडिया से तो ऐसे भी एक्सपोर्ट कम रहने वाले हैं। ऐसे में क्या ब्राजील से सप्लाई बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, तो ऐसे में ग्लोबली प्राइस किस तरह मूव करेंगे, किस तरफ जाने की उम्मीद आपको लग रही है? ग्लोबली टोटली क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है। ऐसा है कि ब्राजील में शुगर का बनाना या इथेनॉल बनाने के ऑप्शंस इंडस्ट्री के पास 15% 10-15% प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर क्रूड जो है वो $80 के ऊपर रहता है WTI, तो शुगर कम बनेगी, और नहीं तो फिर पेरिटी अगर शुगर की ज्यादा है तो क्रूड का जो है प्रॉब्लम आएगा। पर ये देखने को मिल रहा है कि शुगर के प्राइस अभी जो 1874 पे है वो अगर 20 पे चले जाते हैं तो ब्राजील सप्लाई दे देगी, और ये इन्फ्लेबिलिटी जो है टोटल चेंजिंग ऑफ क्रूड और इथेनॉल विल बी डिपेंड ऑन इंटरनेशनल मार्केट नाइबोट प्लस क्रूड। ये अपना सबसे ज्यादा ये है कि अगर WTI का क्रूड 80 के ऊपर नहीं जाता है तो फिर ब्राजील जो है शुगर सप्लाई कर देगी, नहीं तो डेफिसिट जो है वो तो है। ओके ओके, तो ये व्यू है जो ग्लोबल प्राइसेस किस तरह के रहते हैं। शुक्रिया विटलानी जी आपका, आपने वक्त निकाला और शुगर सेक्टर का पूरा आउटलुक बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जिगर और तपन दोनों बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। जिस तरह की चाल हमने गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, एक बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है। करेंट भाव 47,800 के आसपास है। जिगर, करेंट भाव पर आप गोल्ड में क्या करने की सलाह देंगे? विश्वमोहन, मुझे लग रहा है करंट भाव पे गोल्ड में खरीदारी की जा सकती है। फेब्रुआरी 1 कैन गो लॉन्ग अराउंड 47,750, स्टॉप लॉस 47,650, टारगेट विल बी 48,000। सी, ओमिक्रॉन को लेके यहाँ पे कंसेंस तो है मार्केट में, और जो फोकस रहेगा फेड की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है ये वीक में, सो दैट विल बी इन फोकस। मोस्ट ऑफ द नेशंस हॉलीडे मूड में है, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली रुपी में वीकनेस आ रही है, जो USD/INR पेयर आई एम एक्सपेक्टिंग टू ट्रेड अराउंड 75 इन द डे और सो, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है गोल्ड एंड सिल्वर में। पर्टिकुलरली मैं जब गोल्ड की बात कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है 48,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड को लेकर। चांदी को लेकर आपका व्यू तपन क्या है, क्या लग रहा है चांदी में यहाँ से क्या तेजी कब लौटेगी, और जो बड़े एक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं हम लोग, वो कब तक आपको आप उम्मीद कर रहे हैं? जी, गोल्ड और सिल्वर की में दोनों में आज रुपी का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसके कारण जो फर्म ट्रेडिंग रेंज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रेशर अभी भी बना रहेगा क्योंकि यूएस के बॉन्ड यील्ड जो है वो काफी 6 महीने के हाई पे है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है तो उसका कारण प्रेशर बना हुआ है, प्लस मार्केट जो है वो फ्रेश ट्रिगर्स का वेट कर रहा है क्योंकि FOMC का मीटिंग जो है उसके ऊपर ही दमदार रहेगा पूरा, और ये फ्राइडे का नॉन फार्म पेरोल है उसके ऊपर भी ध्यान रहेगा इन्वेस्टर्स का, तो मुझे लग रहा है कि तब तक के लिए कुछ फ्रेश ट्रिगर्स आएंगे नहीं। सिल्वर मुझे लग रहा है कि 62,000 के लेवल से सेल करना चाहिए, डाउनसाइड टारगेट 61,500 रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 62,300 का रहेगा। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि 48,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन होते तो ही बाइंग रहेगी, अदरवाइज मुझे लग रहा है कि गोल्ड को फिलहाल के लिए अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो ये भी हुआ है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। जिगर, चांदी पर आप क्या सलाह देंगे? में मुझे लग रहा है विश्वमोहन थोड़ा बहुत यहाँ पे बाइंग मोमेंटम बन सकता है, चाइना के मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं, ऑल दो आज के अगर सेशन की हम बात करें तो बेस मेटल्स में थोड़ा बहुत वीकनेस है, बट मुझे लग रहा है सिल्वर इंडस्ट्रियल मेटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट ईयर वॉज नेगेटिव, बट मुझे लग रहा है जनवरी ऑनवर्ड्स चाइना में लूनर न्यू ईयर भी आएगा 31 January ऑनवर्ड्स, स्टॉकिंग लास्ट मोमेंट का जो भी होगा वो शायद यहाँ पे सपोर्ट करेगा। 60,000 ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट है फॉर इंट्राडे एटलीस्ट, इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 61,700 मार्च बाय द 61,500 यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चले एंड 62,100 के टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अब स्पाइसेस की बात कर लेते हैं जहां कल से काफी तेजी दिख रही है। हमारे साथ प्रेमचंद नोटा है, जाने माने हल्दी के ट्रेडर है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, हल्दी में तो जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या चल रहा है हल्दी में, ये क्यों हो रहा है, और डिमांड और सप्लाई को लेकर ग्राउंड पर क्या स्थिति है? नमस्कार सभी भाइयों को। एक्चुअली हल्दी में अभी जो तेजी आई है वो रियल नहीं है, मैन मेड है। कुछ ग्रुपों ने तेजी काटे, उन्होंने बाजार को काफी बढ़ा दिया है, और एक्चुअली जिसके हाथ में अभी रेडी माल हो उसको अपना 50% माल अभी के भाव में बेच के मुनाफा खाना चाहिए,
और एनसीडीएक्स में भी जिसका परचेस किया हुआ हो उनको भी वायदा में अप्रैल मई में दोनों में 75% अपना होल्डिंग सेल करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि रेडी मार्केट नीचे है, वायदा को ऊंचा टानते जा रहे हैं और स्पॉट में डिमांड बहुत कम है। कलकत्ता में जहां पे रोज की 400-500 बोरी हल्दी मिनिमम बिकती थी वहां अभी 100 बोरी का सेल नहीं है, वही हालत पटना रांची भागलपुर सब जगह है। सब जगह बाजार वायदा से 10 रुपया नीचे के पोजिशन में चल रहा है, जबकि वायदा से रेडी का बार एट पैरिटी होना चाहिए। और जो तेजी वालों ने स्टॉक का रूमर फैला करके कि भी अभी सिर्फ 10 लाख बोरा स्टॉक है, 15 लाख बोरा ऑल ओवर इंडिया स्टॉक है, ये एक्चुअली गलत है। और एज एनालिस्ट और रिपोर्टर अपने को करेक्ट फिगर देना चाहिए। तेजी मंदी भगवान के हाथ की बात है, या रुपया वाले जो भी तेजी ले आए वो अलग बात है, बाकी अभी का पोजिशन अभी भी करीबन 35 लाख बोरी का स्टॉक पक्का है। और लोगों को याद रखना चाहिए कि लास्ट ईयर इन्होंने लास्ट क्या ये 2021 में ही जनवरी से मार्च में बाजार में 30 रुपए किलो बढ़ा दिया था और वापिस 93-94 जो वायदा मार्च एंडिंग में कर दिया था वो वापिस दो महीना के भीतर में वापिस 73 हो गया, क्योंकि अनएक्सेप्शनल तेजी ले आए थे लोग। वही हालत सब जगह है, तो अभी एक बार मुनाफा खाना चाहिए। नया फसल भी 90 लाख बोरी से कम नहीं आएगा, कोई कुछ भी कहे, बाकी अभी का आइडिया से इसमें 2-4% कम बेसी 90 लाख से कम नहीं आएगा। तो भविष्य में भले कुछ भी तेजी कोई कारण से बने, अभी इतना ऊंचा होने का कोई खास रीजन नहीं है एक्सेप्ट मनी पावर। हेलो, ओके यानी ऊंचा होने की कोई वजह नहीं है, अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो। प्रेमचंद मोटा जी ने यही सलाह दी है और कल हार्दिक शारदा जो हल्दी ट्रेडर है उन्होंने भी यही सलाह दी थी कि इस भाव पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए और जो अनुमान लगाया जा रहा है क्रॉप डैमेज के उतना डैमेज नहीं होगा, ये जितने भी एक्सपर्ट यहाँ पे आके जा रहे हैं यही कह रहे हैं। लेकिन सर भाव में जिस तरह की तेजी लाई जा रही है इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, क्यों इतनी तेजी लाई जा रही है? मनी पावर कुछ भी कर सकता है, ये डिमांड पावर नहीं है, तो उसके लिए कुछ बोलना उचित नहीं है। बाकी बाजार यदि उच्च बेसी ऊंचा हो जाता है तो क्या है, माल भी जल्दी आएगा, किसान भी जल्दी माल लाएगा और बाजार पर फिर वापिस प्रेशर बन जाएगा। एक्चुअली तो 4 साल से हल्दी वाले मार खा रहे हैं गलत रिपोर्ट से, और इस साल फिर ऐसा नहीं होगा बाजार ऊंचा कर दें फिर आमदनी बढ़ जाए, बाजार घट जाए, फिर लोग सब नुकसान में आ जाए, इसलिए मुनाफा खाते रहना चाहिए। ओके सर, ओके, शुक्रिया मोटा जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बताया कि हल्दी में क्या कुछ हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल पर इनका मानना है कि मुनाफा घर लेके जाना चाहिए, इनको जस्टिफाइबल नहीं लग रही है जो मौजूदा करंट लेवल है वहां पर निकल जाने की ही सलाह दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जिगर भी है। जिगर, आप स्पाइसेस में आप क्या सलाह देंगे, टर्मरिक और जीरा इन दोनों ही काउंटर में क्या सलाह है आपकी? मुझे थोड़ा जीरा और कंफर्टेबल लग रहा है यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट करने के लिए। जीरा वायदा जनवरी 16,700 के आसपास वन कैन गो लॉन्ग, 16,450 का स्टॉप लॉस एंड 17,200 का टारगेट, ये प्योरली टेक्निकल कॉल रहेगा। ओके, यानी इनको लग रहा है कि हल्दी को अवॉइड करें और जीरे में खरीदारी कर सकते हैं। जिगर, अब ग्वार पर आपकी राय, आज हल्की तेजी है, 6100 के आसपास भाव है, ग्वार में क्या करना चाहिए लेवल पे? यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। गुआर में जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 6,020 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 6,180 टारगेट एक या दो दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी ग्वार और जीरे एग्री मार्केट में दो कॉल जिगर की तरफ से। चलिए अब बेस मेटल्स पे हमारी बात रह गई थी, तपन बेस मेटल्स में अगर आज किसी को ट्रेड करना है तो आपकी तरफ से क्या टॉपिक होगी? जी, बेस मेटल्स में अगर फंडामेंटल देखें तो पूरा कॉम्प्लेक्स अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल्स की तरफ चल रहा है, खास करके कॉपर और निकल की बात करें तो काफी म्यूटेड ट्रेडिंग है। कॉपर में नो डाउट माइनिंग शुरू हुई है, प्रोडक्शन शुरू है तो उसका प्रेशर है, प्लस चाइना का डेटा है वो भी पॉजिटिव है लेकिन उसका कोई अभी इफेक्ट नहीं है, दूसरा ओमिक्रॉन की भी वरीज है, तो उसके कारण बेस मेटल्स ऑलमोस्ट सारे जो है अंडर प्रेशर ट्रेड हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडिविजुअल फंडामेंटल्स यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं, तो मुझे लग रहा है जिंक जो है वो पॉजिटिव ट्रेडिंग आ सकती है, उसमें 286 के लेवल से जिंक में बाय कीजिए, 291 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस जो है वो 283 का रखे, जिंक में बाय कर सकते हैं क्योंकि ओवरऑल डिमांड पिक्चर जिंक का है स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे बाइंग आ सकती है। साथ साथ एल्यूमिनियम में भी ध्यान रख सकते हैं, एल्यूमिनियम में 226 के ऊपर जाता है तो बाय कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी कमोडिटीज जो है कॉपर निकल तो आज के दिन के लिए मुझे लग रहा है कि डाउनवर्ड प्रेशर रह सकता है।
ओके, यानी जिंक इनकी तरफ से खरीदारी की सलाह है, 291 का टारगेट है, 283 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं तपन। जिगर आपकी तरफ से बेस मेटल्स में टॉपिक आज के लिए? मैं तो मेरा खरीदारी का ध्यान है ही है, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 287, वन कैन गो लॉन्ग 285 के स्टॉप लॉस से 291 के लिए। जैसा कि तापन ने भी बताया, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई काफ़ी अच्छा आया है चाइना की ओर से, एंड जो जनवरी महीने में नॉर्मली बेस मेटल्स में रैली होगी, एंड आई एक्सपेक्ट चाइना टू अनाउंस स्टिमुलस पैकेज एनी टाइम इन जनवरी फर्स्ट और सेकेंड वीक, जैसा कि उन्होंने लास्ट वीक भी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी एनुअल मीटिंग में बताया था, सो दैट विल बी पॉजिटिव। नीचे के स्तरों से कॉपर एंड निकल दोनों में बाइंग आ सकता है। कॉपर जनवरी वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 741, 730 स्टॉप लॉस, 747 टारगेट। निकल मुझे लग रहा है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड करंट लेवल्स ओनली 1565, 67 स्टॉप लॉस, 1560 टारगेट विल बी 1575। ओके, यानी निकेल और कॉपर दो कॉल जिगर की तरफ से, 1575 रुपए के टारगेट निकेल के लिए है और कॉपर के लिए 747 रुपए का टारगेट जिगर दे रहा है। जिगर अब नेचुरल गैस पर आपकी क्या राय है, क्या लग रहा है, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस वैसे भी 2.5% प्लस है, आई गो विद द ट्रेंड, एंड थोड़ा बहुत यहाँ पे डिमांड को लेके कंसर्न है, बट चार्टिकली ऑल्सो इट लुक्स पॉजिटिव। वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 285 करंट लेवल्स ओनली, 282 स्टॉप लॉस लेके चलिए यहाँ पे, एंड 292 इज द टारगेट। ओके, 292 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस। अब आखिरी सवाल तपन आपसे, करेंसी मार्केट पर आपका व्यू? जी, आज रुपी जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ है डॉलर के मुकाबले, और एशियन करेंसीज भी वीक है, तो उसके कारण जो है प्रेशर आया है रुपी पे। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी जो है ये कंटिन्यू रह सकता है, रुपी जो है डेप्रिशिएट रह सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल से वापस से आ सकता है नीचे। तो रेंज मुझे लग रहा है कि बनी रहेगी यहाँ पे 74.80 का रेजिस्टेंस रहेगा, और डाउनसाइड जो है सपोर्ट रहेगा 74.40 का। तो ये रेंज में जो है पैर ट्रेड हो सकती है, आज के दिन के लिए डेप्रिशिएट हो सकता है रुपी, लेकिन आगे जाके थोड़ा अप्रिशिएशन की तरफ आ सकता है। ओके, तो ये व्यू है करेंसी मार्केट को लेकर। शुक्रिया तपन आपका, जिगर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर, ब्रेक के बाद आपके लिए एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।